सभी का स्वागत है। इंडिया मार्ट के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट देखते हैं, चलिए कैसा रहा रिजल्ट। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू निकल करके आ रहा है इनका इस क्वार्टर के लिए 2130 का। ये वैल्यू इन मिलियंस में है, जो पिछले क्वार्टर में 2107 का था और पिछले साल सितंबर 2020 का था 1818। तो अगर हम साल दर साल कहें तो रेवेन्यू बढ़ा है, बट अगर क्वार्टर दर क्वार्टर कहें तो रेवेन्यू में स्लाइटली जंप देखने को हमको मिल रही है। टोटल एक्सपेंस की बात अगर हम कर लें तो इनका एक्सपेंस निकल कर के आ रहा है 1015, जो पिछले क्वार्टर में 960 का था और सितंबर 2020 में 849 का था। चलिए मेन जो हमारा होता है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो देख लेते हैं, 851 मात्र। यानी कि अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले साल के में देखें तो वो 745 का था, इस बार 851 मिलियन का निकल करके आ रहा है। ये स्टैंड अलॉन प्रॉफिट, ये स्टैंड अलॉन रिजल्ट है। चलिए देखते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसा रहा। अभी हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पर आ चुके हैं, जिनका रेवेन्यू निकल करके आ रहा है 2138, पिछले क्वार्टर में 2110 और सितंबर में 1811। तो वही सेम चीज़ देखने को मिल रही है हमें, सार दर सार तो जंप देखने को मिली है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली जंप देखने को मिल रही है। लेकिन एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में इनको 1034 मिलियन का आया है, जो बड़ा है। तो अगर हम इनका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखें तो 1086 है, जो पिछले बार 1119 का था। यानी कि इनके प्रॉफिट में भी जंप, थोड़ा सा गिरावट देखने को हमें मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो निकल करके आ रहा है 822, जो पिछले क्वार्टर 879 का था और पिछले साल सितंबर 2020 में 698 का। सेम सही चीज़ हमें देखने को मिली है, साल दर साल तो प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इस वजह से स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो मेरी तरफ से आप इस स्टॉक को एक बेहतर मौका ढूंढ सकते हैं। एवरी डिप पर आपको बाय कर चलना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो अगर हम आज EPS की करते हैं तो EPS में भी हमको देख रहे हैं पिछले क्वार्टर में 28.99 का था, जो पिछले साल 24 का था, और इस बार का जो EPS निकल करके आ रहा है वो 27.06, क्योंकि प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है इसलिए EPS भी इनका गिरा हुआ है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है वैल्यू बाइंग करने का। गिरावट अगर मिले यहाँ से 10-15% स्टॉक करेक्ट करता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हालांकि अभी भी आप स्टॉक को एक एक करके करंट प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं और जितना गिरे उतना भी आप उठा सकते हैं। एक वैल्यू बाइंग का बहुत अच्छा मौका मिला है। इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है, तो आप इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।